गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर में हम स्टार्ट करेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15% ऑफ 250। सो क्वेश्चन नंबर थ्री तक आपने जो एग्जांपल सीखे उसके अंदर परसेंटेज फाइंड करने थे। सो वी मस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100। हमने वहाँ पे 100 से सब नंबर को मल्टीप्लाई किया। नाउ वी आर रिमूविंग दिस परसेंटेज रिमूव करने हैं हमको, परसेंटेज फाइंड नहीं करने हैं। सो परसेंटेज जब रिमूव करने हो, मतलब कि 15% ऑफ 250, ऐसे कोई भी परसेंटेज वाले एग्जांपल हो कि जिसमें आंसर में परसेंटेज हमको नहीं चाहिए, उसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द बोथ नंबर डिवाइड बाय 100, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाय 100 करना है। सो क्वेश्चन नंबर फोर में खास ध्यान रखना, आप मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फोर जैसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको डिवाइड 100 करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन 15% ऑफ 250। सो ऐसे एग्जांपल में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे, वी मस्ट मल्टीप्लाई बोथ नंबर एंड डिवाइड बाय 100। सो 15% ऑफ 250 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 100। हियर इज 00 इज कट, 1010 इज कट। सो नाउ वी हैव 15 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 10। सो यहाँ पे 15 25/10 मीन्स 2.5 लिखा है एंड 15 मल्टीप्लाई 2.5 होगा, उसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देन वी गेट 37.5। सो 15 मल्टीप्लाई 25, तो फर्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 = 75, कैरी 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, 52 + 30 + 7 = 37। सो वी गेट 37.5। सो फर्स्ट आंसर इज 37.5 एज इट इज 1% ऑफ 1 आवर। सो ऐसे आवर्स हो या किलोग्राम हो या लीटर हो, ऐसे कोई भी एग्जांपल हो तो हमको उसको कन्वर्ट करना होगा, आवर्स को मिनट में, किलोग्राम को ग्राम में, लीटर हो तो मिली लीटर में, कन्वर्ट कंपलसरी हमको करना होगा। सो 1% ऑफ 1 आवर मीन्स 1% ऑफ 60 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 60 मिनट इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड्स। सो 60 × 60 को 100 से डिवाइड करेंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड्स डिवाइड बाय 100। सो 00 दोनों जीरो कट हो जाएंगे 66 के, सो वी गेट 36 सेकंड। सो 1% ऑफ 1 आवर इज इक्वल टू 36 सेकंड इज अवर आंसर एज इट इज इन अ थर्ड एग्जाम्पल 20% ऑफ रुपी 2500। सो मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर 20 × 2500 डिवाइड बाय 100। सो 20 इज कट नाउ दिस 20 एंड 2500 के दो जीरो कट हो जाएंगे। सो नाउ वी हैव ओनली 20 × 25। सो 25 × 50 एंड 0, तो 20 × 25 आंसर आएगा 500, बिकॉज 25 × 50 एंड 10 इज हियर, तो 10 ऐड हो जाएगा। सो 20% ऑफ 2500 में आएगा 20, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 20 × 2500 डिवाइड बाय 100। सो 00 इज कट, सो 25 × 20 वी गेट ₹500। सो इट्स सो इजी एग्जांपल फॉर यू। देन क्वेश्चन नंबर डी, 75% ऑफ 1 kg। सो मैंने आपको प्रीवियसली समझाया, आई एम एक्सप्लेन टू यू, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो वी मस्ट कन्वर्ट दिस 1 kg इंटू ग्राम। सो वी मस्ट पुट इन प्लेस ऑफ 1 kg 100 ग्राम। सो 75% ऑफ 1 kg की जगह हम लिखेंगे 75% ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी इक्वेशन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, सो 75 × 1000 डिवाइड बाय 100। हियर वी कैन ऑल्सो कट दिस 20, सो नाउ वी हैव 75 × 10, 75 × 10 वी गेट 750 ग्राम। 750 ग्राम को फिर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, सो मीन्स आवर आंसर इज 0.750 kg। सो 750 ग्राम इज इक्वल टू 0.75 kg। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, या तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी राइट है, केजी में भी कन्वर्ट करोगे दोनों आंसर आपके राइट होंगे। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5,
These examples are different from another examples. So see carefully. First question is 5% of it is 600. So it is means we don't know about it. So it is मतलब कौन सी quantity है हम जानते नहीं है. So we must suppose it with the x. तो suppose करेंगे let the whole quantity be x in given equation. Let the whole quantity be x in the given equation. मतलब it मतलब we don't know this it. तो it हम जानते नहीं है कौन सी quantity है. So let the whole quantity be x. तो हम उसको क्या suppose करेंगे x. So we suppose it with the x. So listen this. 5% of it is 600. तो 5% of x is equal to 600 sentence बनेगा. As it is in a second, 20% of it is, तो 12% of x is equal to 1080. As it is in a third, 40% of it is, मतलब 40% of x is equal to 500. Understand? तो first step मैंने आपको समझाया सब में. 5% of x is equal to 600, 12% of x is equal to 1080, 40% of x is equal to 500, 70% of 14, sorry, 70% of x is equal to 14 and 8% of x is equal to 40 liter. तो सबका फर्स्ट स्टेप आपको मालूम होना चाहिए जो मैंने अच्छे से समझाया. फिर ऐसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको समझाया किसी की भी परसेंटेज हो. सो 5% ऑफ x, तो परसेंट रिमूव करने के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे. सो नाउ वी हैव 5 मल्टीप्लाई x अपॉन 100. 5% ऑफ x मींस 5 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 100. सो ये स्टेप आ गया 5 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600. नाउ यू हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 4 इक्वेशन. इक्वेशन में आप इसके बारे में सीखे हो. ऐसा इक्वेशन है आपके पास तो आपको x फाइंड करना है ओनली. सो x एज इट इज रखेंगे और 100 डिवाइड में यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो यहाँ पे क्या किया, 5 इंटू एक्स अपन 100 इज इक्वल टू 600. एक्स एज इट इज रखेंगे, डिवाइड बाय 100 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा और 5 नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो इक्वल टू के यहाँ 5 अपन 100 आएंगे तो 100 अपन 5 हो गए. सो वी गेट नाउ न्यू इक्वेशन 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5. नाउ वी नो दैट 5 2 जा 10 एंड 0 का 0, सो 5 20 जा 100. सो 600 मल्टीप्लाई 20, वी हैव नाउ 600 मल्टीप्लाई 20. सो 6 2 जा 12 एंड काउंट दिस 0 0 0 एंड 0, वी हैव 3 0. सो 600 मल्टीप्लाई 20 होगा. सो आवर आंसर इज 12,000. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, क्या किया मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ साइड में. 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600. सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 600. अभी हमको सिर्फ x फाइंड करना है तो x एज इट इज रखेंगे. राइट साइड 600 है, लेफ्ट साइड 100, राइट साइड आएंगे तो मल्टीप्लाई 100 और लेफ्ट साइड जो 5 है राइट साइड आएगा डिवाइड बाय 5. सो 5 2 जा 10 एंड 0 का 0. नाउ 6 2 जा 12 एंड 1 2 3 0. सो आंसर इज 12,000. तो मैंने आपको अगेन फिर से एक बार एग्जांपल समझाया जो आपको अच्छे से समझना है. हर एक एग्जांपल में ऐसे ही हम जाएंगे. नाउ सेकंड एग्जांपल. सो सेकंड एग्जांपल में हम स्टेप बना सकते हैं 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080. सो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100. यू कैन सी हियर 12 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1080. अगेन x फाइंड करना है, राइट साइड 1080 एज इट इज लिखेंगे, 100 डिवाइड में यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई और 12 ऊपर है नीचे आ जाएगा 12. नाउ वी नो दैट 12 9 जा 108. तो टेबल आपको अच्छे से आने चाहिए. सो 12 9 जा 108 एंड 0 का 0. सो 90 इंटू 100, तो 9 1 जा 9. हाउ मेनी जीरो 1 2 3 0, 9,000. सो एक्स इज इक्वल टू 9,000 रुपीज. अंडरस्टैंड दिस सेकंड क्वेश्चन. एज इट इज इन अ थर्ड, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 500. सो 40 मल्टीप्लाई एक्स अपन 100 इज इक्वल टू 500. एक्स फाइंड करना है, 100 ऊपर जाएगा. सो 500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 40. नाउ दिस 0 एंड दिस 0 इज कट. सो देखो ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, मैं आपको शॉर्ट मेथड समझाऊं.
ये स्टेप यहाँ से मैंने लिया, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, जीरो जीरो कट किया। नाउ वी नो दैट 25 फोर जो 100, सो 4 से 25 कट करेंगे, 4 25 जो 100, नाउ वी हैव 50 इंटू 25, सो 25 फाइव जो 125, 25 फोर जो 100, 25 फाइव जो 125, जीरो का जीरो, सो आवर आंसर विल 1250 किलोमीटर। इज इट क्लियर एज इट इज स्टूडेंट्स? आपको क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई ऐसे ही आपको करना है, इट इज़ सो इजी। मैं डायरेक्ट आपको सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ, तो जीरो जीरो कट, 7 2 14, सो 2 10 20 मिनट। एज इट इज इन दिस एग्जाम्पल 8 5 40, 8 5 40, तो वी गेट 500 लीटर्स। सो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज पूरी अपनी नोटबुक में लिखनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बोथ क्वेश्चन यू मस्ट राइट इन योर नोटबुक। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो टेल मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, सो कभी भी आप मुझे मैसेज करना अगर डाउट है। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे से लर्न करके लिखना है, और वर्कबुक में ऐसे एग्जाम्पल है तो आप लिखना अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच।